आप लोग, मैं सौंदर्य चौधरी आपका अपने YouTube चैनल ट्यूटर 9.0 पर स्वागत करता हूं। तो चलिए जुड़े रहिए और सीखते रहिए। मैं आपके लिए आज से स्टार्ट करने वाला हूं कंपटीशन की क्लास है, जिसमें आपके चाहे वो SI हो, यूपी आपके कांस्टेबल की हो, या फिर आपके जो आपका डी ग्रुप के जो परीक्षा आने वाली है उसकी हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का जो मैथ हो, जिस तरीके से कॉम्पिटिशन होता है स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो लेवल से आज से स्टार्ट करने वाले हैं। आप चाहे कहीं भी कोचिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, डेली अगर आप इस क्लास से जुड़े रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, नॉलेज मिलेगी और मैथ में आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। किसी भी प्रकार की हो, जब आप दो जगह तीन जगह पढ़ते हैं, कहीं अंत भी पढ़ रहे होंगे आप, जब यहाँ से आप डेली क्लास लेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास स्टार्ट हो रही है आज से, तो आप डेली इस क्लास को डेली लीजिए। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, आधे घंटे की एक घंटे की क्लास होगी। इस क्लास में आप डेली जुड़े रहेंगे तो आपको मैथ के क्वेश्चंस, मैथ के बारे में नॉलेज, जो भी नॉन टेक्निकल नॉलेज होती है, ठीक है, जो हमारे कॉम्पिटिशन लेवल में आती है, आपके जो SI पेपर है, यूपी प्लस का जो कॉन्स्टेबल का पेपर आने वाला है, और जो ग्रुप डी का आपका पेपर आने वाला है, आपके जो NTPC CBT 2 है उसका पेपर आने वाला है, तो जो भी बच्चे इनकी तैयारी कर रहे हैं तो उनको इससे बहुत लाभ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल लेवल जीरो लेवल से। तो आज की हमारी पहली क्लास है नंबर सिस्टम की, क्योंकि मैथ स्टार्टिंग ही नंबर सिस्टम से होता है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में आज हमारी क्लास बिल्कुल नॉलेज बेस्ड होगी, जो बिल्कुल जीरो लेवल से, हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें पता हो पहले से, ठीक है। अगर आप इन नॉलेजों को एक बार, बस थोड़ा सा समय लगेगा, इसके बाद में डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे, आपके लिए होमवर्क में दिए जाएंगे, जिससे आप भी अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि कितना हम पढ़ रहे हैं। पढ़ भी रहे हैं तो आप कम से कम इन क्वेश्चनों को करेंगे तो आपको एक लेवल पता चलेगा, ठीक है। बिल्कुल लेटेस्ट लेवल की किताबों से, बुक से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, ऐसे नहीं है कि पुरानी कहीं वीडियो से देख लिए या कहीं से देख लिए, पुराने क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट नए लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम में आपको पता है ये क्या होती है, संख्या पद्धति। हमारे नंबरों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, कितने प्रकार के नंबर होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, ठीक है। सबसे पहला नंबर आपको आप जानते हैं नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। सबसे पहला आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबरों को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। देखो नेचुरल का मतलब ही होता है प्राकृतिक, तो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकता है आपको पहले से पता हो, लेकिन अगर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा, बस आपको डेली क्लास से जुड़ना है जब तक आपके पेपर हो, जब तक, ठीक है, या तैयारी कर रहे हैं तो और आपके लिए फायदा ही फायदा है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, देखिए नंबर तो आपने अब तक बहुत सारे पढ़े हैं, माइनस के भी नंबर होते हैं, प्लस के भी नंबर होते हैं, नंबर तो आपका जीरो भी होता है, तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। देखिए नेचुरल नंबर में सिर्फ आपके जो नंबर आते हैं वो एक दो तीन डॉट 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 प्लस इनफिनिटी, ठीक है। नेचुरल नंबर में जीरो आपको नहीं आती है, तो ये छोटे छोटे डिफरेंस हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो नेचुरल नंबर में क्या होता है, आपकी जीरो नहीं आती है, एक से ऊपर के जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सारे सारे आपके प्राकृतिक संख्या है, या आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपके दूसरी है, सेकेंड नंबर पर आती है पूर्ण संख्याएं, ठीक है, होल नंबर। पूर्ण संख्याएं, ठीक है, सेकंड नंबर की है आपकी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, जिसको हम किससे दिखाएंगे, W से, ठीक है। एक से ऊपर की जितनी प्लस की इनफिनिटी संख्याएं हैं वो सारी आपकी प्राकृतिक संख्या होगी। इसके बाद में आपका जो सेकंड नंबर स्टार्ट है आपका पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से, ठीक है। इसका लेवल कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से, जीरो वन टू थ्री डॉट 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 प्लस इनफिनिटी, यानी जीरो से लेकर प्लस तक की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी कैसे होंगी, आपकी होल नंबर होंगे, ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या होंगी। पूर्ण संख्या जीरो से बनती है, जीरो से स्टार्टिंग होती है और एंड तक चलती है। जीरो को हटा दो तो ये आपकी किस में आ जाएंगी, प्राकृतिक संख्या में आ जाएंगी, इससे ऊपर ऊपर की ये सब प्राकृतिक संख्या है। जीरो अगर आपने इसमें काउंट कर दी तो फिर आपकी कैसे हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में आपकी इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है।
तीसरा इंटीजर होता है। अब मुझे बताइए कि पॉजिटिव नंबर हो गए, जीरो भी हो गई आपकी, अब इंटीजर नंबर में कौन से नंबर आएंगे? तो इंटीजर नंबर में वो सारे नंबर आएंगे जो आपके नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? -3 -2 -1 0 1 2 3 .. और इधर भी आपका माइनस इनफिनिटी तक, प्लस इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी, मतलब सारे नंबर्स चाहे आपके माइनस के हों चाहे वो आपके प्लस के हों और जीरो भी हो, ये सारे सारे किसमें आते हैं? आपके इंटीजर में आते हैं। तो अभी तक आपने तीन नंबर पढ़े, एक नेचुरल नंबर होते हैं जो आपके वन से स्टार्ट होते हैं, दूसरे आपके होल नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, तीसरा नंबर है आपका इंटीजर जो कि आपके माइनस प्लस जीरो सारे होते हैं। अब इसके बाद में आपके नंबर फोर पे आता है आपका रियल नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और एक होती है आपकी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं। बस थोड़ी सी नॉलेज हो रहा है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए एक होते हैं आपके रियल नंबर, एक होते हैं आपके इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, यानी कि काल्पनिक। काल्पनिक नंबर्स कौन से होते हैं, जो किस तरीके के नंबर होते हैं, इनके एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे आपके रूट में -2, रूट में -3, अगर कभी भी आपके अंडर रूट में कोई भी वैल्यू माइनस की हो, ठीक है, अगर बात करें -i, कहने का मतलब आई कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन अंडर रूट में जो भी वैल्यू अगर आपकी कभी माइनस की दे रखी है तो आप समझ लेना वो कैसे नंबर है, काल्पनिक नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो इनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, इनको देखते हैं रियल नंबर। अभी तीन नंबर तो हो चुके हैं, माइनस भी हो गए, प्लस भी हो गए, जीरो भी आ गया इसमें, विदाउट जीरो नंबर हो गए, आप कौन से नंबर बचे हैं जो वास्तविक में आते हैं? तो आपके दो तरीके के नंबर यहाँ पे बचे हुए हैं, एक तो होते हैं इसमें आपके परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इनको बोलते हैं हम रेशनल नंबर और ये होते हैं आपके इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये आपके किस में आते हैं? रियल नंबर में। ठीक है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इनके अलावा और सारे कोई भी आपकी ऐसी संख्या नहीं है। देखिए परिमेय संख्याएं भी, इनको भी थोड़ा सा समझते हैं क्या होती है, ये यहाँ पे एड डालते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, और एक होती है आपकी अपरिमेय संख्या, तो ये तो अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो आपकी सी आई क्यू फॉर्म में होती है, ठीक है, वो आपकी कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है, तो अपॉन की फॉर्म में होती है, जैसे आपकी 1/2, 5/6, 7/9, इस तरीके की बहुत सारी संख्याएं। और जो इस फॉर्म में नहीं होती है, जैसे आपकी √5, √7 और आपकी √3, इस तरीके की संख्याएं जिनको हम पी वाई फॉर्म क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो आपकी कैसी होती है? आपकी अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, देखिए इनमें भी दो तरीके होते हैं, परिमेय संख्याओं को भी देखने के दो तरीके होते हैं इनमें। एक तो ऐसी होती है जो असांतर आवृत्ति की होती है, ठीक है, जो रिपीट होती रहती हैं चलती रहती हैं, और एक शांत होती है। जैसे अगर हम 2 का डिवाइड देंगे तो इसमें कितना आएगा? 0.5, डिवाइड दिया और खत्म हो गया, इससे आगे है ही। और एक संख्या ऐसी होती है जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो चलती जा रही है, ठीक है, क्योंकि वो कैसी आवृत्ति होगी? अशांत आवृत्ति होगी। इन है वो कैसी? परिमेय संख्या। ठीक है, आपके परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई। अब इसके बाद में आपके कुछ नंबर आते हैं, देखिए
फिर आपने इसमें नंबर देखे होंगे इवन नंबर, इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं, ठीक है। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जिन संख्याओं में हम दो से डिवाइड देते हैं या दो से भाग पूरा पूरा चला जाता है वो आपके कैसे होते हैं, इवन नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके की संख्याएं इवन नंबर होती है। इसके बाद में आपके नंबर आते हैं ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याएं। अब विषम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्याएं वो होती हैं जिनमें आपके दो से डिवाइड नहीं जाता है। जैसे आपकी 1, 3, 7 इस तरीके की संख्याएं जिनमें दो से डिवाइड नहीं जाता है, वो सारी सारी कैसी होती हैं? आपकी विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद में आपके दो तरीके के नंबर और बचते हैं। ठीक है, एक आपके प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्याएं होती है और एक आपके कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, दो तरीके के नंबर आपके और बचते हैं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। देखिए अभाज्य संख्या देख लेते हैं, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना जाए, या तो उसमें एक से भाग जाएगा या खुद से जाएगा। जैसे एक, आपकी एक तो है ही है, एक को तो छोड़ो, 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 2 आपकी इवन नंबर भी थी, सम संख्या थी, लेकिन ये कैसी है? अभाज्य है। इसमें एक से जाएगा और दो से भाग जाएगा, इसके बाद किसी से नहीं जाएगा। इसमें एक से जाएगा, 3 से जाएगा और किसी संख्या से नहीं जाएगा। तो ये कैसी होती है? आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसके बाद में आपके एक नंबर आते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है, ऐसे नंबर जिनके टुकड़े का अगर हम करें, उनके फैक्टर करें तो दो से ज्यादा हो जाए। जैसे मान लीजिए आपका 4 है या 6 है, 8 है, 9 है। ऐसा नहीं है कि ये विषम संख्या होंगी, ऐसा कुछ नहीं। 9 देखो आपकी विषम संख्या भी है लेकिन भाज्य संख्या है। इसमें अगर आप फैक्टर करेंगे तो 1 से भी भाग जा रहा है, 9 से जा रहा है, 3 से भी जा रहा है। इसलिए ये आपके कैसे नंबर है? इस तरीके के नंबर जिनमें खुद से भी चला जाए। देखिए इसके फैक्टर करें हम, 1 से तो जा रहा है, 2 से भी जा रहा है और 4 से भी जा रहा है, तो कम से कम 3 फैक्टर तो होने चाहिए। इस तरीके की संख्या आपकी कैसी होती है? भाज्य संख्या होती है। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक था वो था नंबर सिस्टम। इसमें हमने कुछ नंबरों पर अपना ध्यान दिया है। देखिए पहले आपके नेचुरल नंबर था, प्राकृतिक संख्या होती है जो आपकी 1 से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, सेकेंड नंबर था आपका होल नंबर। होल नंबर आपके डब्ल्यू से इनको डिनोट करते हैं और 0 से स्टार्टिंग होती है। 0 से ऊपर की जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। इसके बाद में थे आपके इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में आपके सारे नंबर आ जाते हैं, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो। ठीक है, 0 भी इसमें सम्मिलित होती है। इसके बाद में नंबर 4 पे हमने पढ़े रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स और एक आपके इसी में होते हैं काल्पनिक नंबर। रियल नंबर अलग होते हैं, काल्पनिक नंबर अलग होते हैं। काल्पनिक नंबर तो ऐसी संख्याएं होती हैं, इमेजिनरी संख्याएं, जो रियल में नहीं होती हैं, उन्हीं को हम इमेजिनरी बोलते हैं। जैसे -2, -3, -i। ठीक है, i यानी आयता। अब रियल नंबर में भी दो तरीके के नंबर हमने पढ़े, एक आपके रेशनल नंबर, एक इरेशनल, यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं आपकी वो संख्याएं होती हैं जिनको हम पीआईक्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिनको हम अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे ये आपके कैसे नंबर, ये एग्जांपल किसके हैं? ये आपके आपके रियल उसके परिमेय संख्या के, रेशनल नंबर के, और ये आपके इरेशनल नंबर के। ठीक है, ये दो तरीके की हो सकती है, इनकी आपूर्ति शांति भी हो सकती है और अशांति भी हो सकती है। अगर ये
पॉइंट के बाद में संख्याएं नहीं रुकती हैं, ठीक है, तो ये आपकी कैसी कहलाएगी, अशांत आवृत्ति कहलाएगी। और अगर पॉइंट के बाद में कहीं ना कहीं आगे रुक जाती है तो ये इसकी आवृत्ति कैसी होती है, शांत, यानी कि टर्मिनेटिंग। शांत को आप इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग और अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसके बाद में आपके नंबर से इवन नंबर, वो संख्या जिनमें दो से डिवाइड चला जाता है, ठीक है, दो से अगर आप भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। ऑड नंबर वो संख्या होती है जिनमें दो से डिवाइड नहीं जाता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। अभाज्य संख्या आपकी वो होती है जिनके टुकड़े दो से ज्यादा नहीं हो, या तो खुद से डिवाइड जाएगा या जो संख्या है उसी से जाएगा, इसके अलावा और किसी से नहीं जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे कोई पूछे तो वो आपकी दो है। इसके बाद में भाज्य संख्याएं होती है ऐसी जिनके अगर हम टुकड़े करें फैक्टर करें तो कम से कम तीन फैक्टर तो होने चाहिए, ठीक है। तो आपके नंबर सिस्टम में जो संख्याएं हैं वो मोटी मोटी अगर आपने जानकारी ली है तो इतनी है, और भी हैं, लेकिन जितनी हमें जरूरत है वो हमने सारी कवर कर ली, ठीक है। अब इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो इन पर बेस्ड होते हैं, इन्हीं पर बेस्ड होते हैं जैसे हमसे पूछा जाता है इन क्वेश्चनों को। चलिए देखिए, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन साथ साथ करेंगे, उसके ऑप्शन भी हैं इसमें, तो आपको अपने जो आंसर है क्वेश्चन करने से पहले अगर आपको उसकी जानकारी है तो कमेंट करके आप बता दें बिना देखे ही, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर वन, और जो भी नॉलेज होगी नंबर सिस्टम के बारे में तो हम क्वेश्चनों के साथ साथ करते रहे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इनमें से हमसे पूछा गया है कि इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है, क्या 22/7, पाई, 1.33 और आपकी 3.14, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी आपकी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए आपकी जो 22/7 है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन है कैसी, परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इसी को। अब 1.33 है वो आपकी उसमें डैश डैश लगा हुआ है तो वो चल तो रही है आगे, लेकिन वो कैसी है आपकी, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन है कैसी, डेसिमल नंबर, ठीक है। तीसरा नंबर है आपका 3.14, तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये भी आपका कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, वो टर्मिनेटिंग है लेकिन ये कैसा है, डेसिमल नंबर है। तो लास्ट में आपका क्या बचता है, पाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई, पाई आपका कैसा है, जो इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई हमेशा किसमें आती है, इरेशनल नंबर में आती है। इसकी वैल्यू से मतलब नहीं है कि इसकी क्या वैल्यू है क्या नहीं है, ठीक है, अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू कई जगह अलग अलग होती है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, लेकिन पाई हमसे पूछा जाएगा कि ये कैसी है, ये आपकी इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है, √4, √3, 2+√3 और 5√3। अब देखिए इसमें से आप मुझे ये बताइए कमेंट करके कि इसमें से कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। तो परिमेय नहीं, सिर्फ हमसे परिमेय पूछा है, परिमेय नहीं पूछा है। देखिए आपको अगर पता है तो आप कमेंट करें, नहीं तो देखिए मैं बताया, आपकी जो √4 है ये आपकी कैसी है, परिमेय। क्यों, क्योंकि जैसे अगर हम बात करें तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, 2/2, ठीक है, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसे तो आप PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इनसे आपको नॉलेज बहुत मिलेगी, जो अभी तक आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे। ये आपके SI लेवल के भी हैं, SI में भी आते हैं, UP पुलिस के जो कॉन्स्टेबल एग्जाम होता है उसमें भी, मतलब मैं तो जहाँ भी आता है अक्सर करके उनमें आपके नंबर सिस्टम में नॉर्मल से नॉर्मल और जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं हर तरीके के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से बनते हैं, ठीक है। और आपके जो डी ग्रुप है जिसकी परीक्षा आने वाली है, ठीक है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा आते हैं नंबर सिस्टम से, 2-3 क्वेश्चन कम से कम आते आते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर का जो आपका क्वेश्चन है,
प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग बता। देखिए इनके लिए प्राकृतिक संख्याओं का योग और इनके जो नंबर्स होते हैं उनके लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूला लिखा देता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ फॉर्मूला लिख दीजिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे। चलिए पहला ये क्या है प्राकृतिक संख्याओं का, तो तीसरा क्वेश्चन है आपको इसमें बताना है प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, तो इसके लिए देखिए कुछ फॉर्मूला समझते हैं पहले। अगर आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग चाहिए तो आपका फॉर्मूला होता है n n plus 1 by 2। ठीक है, n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग चाहिए तो n n plus 1। अगर n तक, ठीक है, कोई संख्या अगर आपसे पूछे 40 तक 20 तक की सम संख्याओं का योग बताना है तो उसका फॉर्मूला आपका n by 2 n by 2 plus 1। ठीक है, अगर n विषम संख्या है, अगर आपकी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला है n स्क्वायर। और अगर n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग चाहिए तो उसके लिए n n plus 1 2n plus 1 by 6 और घनों के लिए n n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इवन टाइम की वजह से यहाँ पे लिख दिए टाइम बचाने की वजह से। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दो मिनट में करा दिए। तीसरा देखिए प्रथम प्राकृतिक 40 संख्याओं का योग, आपको 40 संख्याओं का योग यानी कि n बराबर कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, क्या पूछा प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो देखिए सबसे स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या फॉर्मूला है आपका n n plus 1 by 2। देखिए 40 देखिए 2 से कट कर दीजिए 30 20 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 41 मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 028 कितना आ गया आपका 820। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़ते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 50 से 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग, 50 से 90 के बीच की, और 50 से 90 के बीच की देखिए कौन कौन सी होती है। देखिए आपकी 53 होगी प्लस जोड़ते जाइए 59 होगी आपकी 61 होगी आपकी 65 होगी नहीं 65 नहीं होगी 69 भी नहीं होगी 71 79 83 89 और कोई संख्या रहेगी आपकी देखिए 73 रह गई और आपका 67 है। ठीक है, और कोई और तो कोई नहीं, बस इनको ऐड कर दो। देखिए 3 9 12 12 और 1 13 13 14 14 और 9 23 23 और 3 26 26 और 9 आपके हो गए 35 38 और 38 और 7 38 और 7 45 का 5 तेरी कितनी हुई 4 हाँ जब आए 10 16 और 7 14 30 30 और 8 38 और 8 आपके हो गए 46 46 और 7 53 और 6 आपका
देखिए आपको स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान के लिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो आपको पता होगा कि किसी भी दो संख्या जो होती है उसका स्थानीय मान और जाति मान क्या होता है। मान लीजिए कोई संख्या हमें केवल है, अगर हमें स्थानीय मान पूछे इसका थ्री का, तो आपको बता थ्री जितनी संख्या होती है उतनी जीरो होती, और अगर जाति मान पूछे तो क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा। जिस संख्या का पूछा जाता है जाति मान वही होता है, ठीक है। स्थानीय मान संख्या जितनी अंक होते हैं उतनी जीरो लगा दो, और अगर आपसे स्थानीय मान की अगर जाति मान पूछा जाए तो थ्री हो जाएगा, ठीक है। किसी का टू का पूछे तो टू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका इसी पर बेस्ड है। 5, 6, 8, 9, 7, 6, 5, 6, 8, 9, 7, 6, ठीक है। इसका क्या पूछा है, सिक्स के स्थानीय मानों का अंतर होगा, यानी इसमें सिक्स की दो वैल्यू आएगी, एक तो आपका आएगा सिक्स और एक आएगा आपके सिक्स चार, तो एक दो तीन चार, ठीक है। तो बस अंतर पूछा है, अंतर निकाल दो, इसमें से आपको क्या करना माइनस सिक्स कर, ठीक है। कितना हो जाएगा 4, 9, 9, 9, 5, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक बार आंसर चेक कर लो, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, आप क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें नेक्स्ट है 8, 5, 7, 9, 5, 6, 8, 5, 7, 9, 5, 6, इसका क्या पूछा है, सात के स्थानीय मान और जाति मान में अंतर। सात, देखो सात का स्थानीय मान क्या होगा 7000, ठीक है। ये क्या हो गया स्थानीय मान, स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और इसका आपका ये सेवन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इसी को क्या बोलते हैं जाति मान। अब इसका अंतर पूछा है, बस माइनस कर दो माइनस सेवन, देखिए 3, 9, 9, 6, ये क्या हो जाएगा आपका अंतर हो, ठीक है। पिछली ही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आपको पता है ग्रुप डी या आपके जो फेस्टिवल टाइप में इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम से एक या दो क्वेश्चन जरूर बनता है आपके ग्रुप डी में भी और ऐसा ही वगैरह जो सभी में आता है। क्वेश्चन नंबर एट, ये क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है आपका, 7, 5, 8, 7, 7, 5, 8, 7 मल्टीप्लाई बाई 5, 8, 7, 5, 8, 7, तो आपको इसका आंसर होगा। अब देखिए सभी बच्चे ऐसे हैं तो मल्टीप्लाई तो आती है, तो मल्टीप्लाई करना कौन सा कठिन है, लेकिन क्या है टाइम बचाने की जरूरत है, ठीक है। देखो वहाँ पे आपको टाइम बहुत कम मिलता है, तो टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जितना भी सॉल्व हो उस तरीके से करेंगे। देखो पहले सेवन से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा, सेवन से करेंगे 49, 4 कैरी 7, 8, 56, 56 और 0, 6 कैरी 7, 5, 35 और 6, 41, 4 कैरी 7, 7, 49 और ये आपका 53, ठीक है। ऐसी कोई संख्या है जिसमें लास्ट में 9 हो, तो ऐसी तो कई संख्या है इसमें, चलो 8 से और देख लो, 8, 7, 56, 5, ऐसी कोई संख्या है इसमें लास्ट में 6 9 आ रही हो, क्योंकि ज़्यादा जरूरत तो नहीं है करने की। देखिए ऐसी एक ही संख्या है 4, 4, 5, 3, 6, 9, 4, 4, 5, 3, 6, 9, देखिए ये आपका आंसर हो गया। अक्सर करके आपको जब भी मल्टीप्लाई या इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो उनमें आपको दो अंकों से पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या है, दो अंकों से या अक्सर करके एक अंक से ही, लास्ट की डिजिट से ही, यूनिट डिजिट जो होती है कई अंकों से पता चल जाता है, लेकिन फिर भी उसमें प्रॉब्लम आएगी, दो से तो आपको कन्फर्म पता चल ही जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई सब पे आते हैं, तो इतने तो वो भी उन्हें भी पता है सभी मल्टीप्लाई आते हैं, लेकिन वो क्या टाइम वेस्ट की वजह से ऐसे क्वेश्चनों को दे देते हैं। चलिए इसका आंसर ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, देखिए
इसका आपको क्या करना है, आंसर निकालना। तो बस बहुत ही 5 5 25 यानी कि लास्ट में 5 आना चाहिए। 5 अगर आपके आंसर में वैसे हो रहा हो तो ठीक है, निकाल के बढ़ते हैं। बिल्कुल आंसर क्या हो गया, एक ही अंक से आपका आंसर हो गया, आपको ज्यादा जरूरत ही नहीं है करने की। तो इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होती है मल्टीप्लाई वो करने की। पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो समय लगेगा और टाइम लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा आपको समय आपका निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 3 7 5 6 मल्टीप्लाई बाई 9, इसके आंसर निकाल के दिखाओ। देखो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कई बार बताया। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 9 से पहले मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 5 पे ही। तो ये देखो अगर लास्ट में कोई ऐसा आंसर हो जिससे 4 आ रहा हो, एक से या दो से तो कन्फर्म पता चल जाएगा। तो लास्ट में एक ही आंसर ऐसा हमारे 4 आ रहा है, 3 7 1 8 4, बिल्कुल आंसर हो गया, एक ही आंसर से पता चल गया। बस हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, 54 आया 4, ठीक है। यूनिट डिजिट से हमने पता कर लिया क्या आंसर है। इसी तरीके की आपको शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, डेली 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डेली करेंगे। डेली आप हमारी वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको डेली की डेली हमारे वीडियो मिल जाए। लाइक शेयर कमेंट करते रहना, धन्यवाद।